इंतजार करते करते झरिया की भूमिगत आग अब खतरनाक हो गई है। जमीन कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को निगल रही है। धनबाद के कुसुंडा के गोंदोडी में 3 महिलाओं के जिंदा दफन के बाद झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार सहित भारत कुकिंग कोल लिमिटेड पर निश्चित रूप से दबाव पड़ गया है। वैसे कोलियरी इलाकों में पुनर्वास के काम में जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली है। गोंदोडी के धोबी कुली की 3 महिलाएं जिंदा दफन हो गई थी। वो इलाका भूधसांग को लेकर पहले से ही संवेदनशील है। ये अलग बात है कि घटनास्थल झरिया मास्टर प्लान के अधीन नहीं आता है, बावजूद मामला पूरी तरह से पुनर्वास से जुड़ा है। अगस्त 2021 के बाद जब पूर्व के झरिया मास्टर प्लान की मियाद खत्म हो गई, तब से स्थिति थोड़ी खराब हुई है। अभी भी संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति का इंतजार है। जिस तरह से कोलांचल के संवेदनशील इलाकों में हादसे हो रहे हैं वो गंभीर हो गए हैं, वैसे झरिया पुनर्वास संशोधित मास्टर प्लान में जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके मुताबिक फर्स्ट फेज में 81 इलाकों के प्रभावित परिवारों का पुनर्वास है। 81 क्षेत्रों से लगभग 16,000 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। इनमें से 650 BCCL कर्मी हैं और रैयतों की संख्या 1800 बताई गई है। गैर रैयतों की संख्या 12,000 के आसपास है। इधर बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की लीगल टाइटल होल्डर एवं नॉन लीगल टाइटल होल्डर के सत्यापन की स्थिति, सर्वे, जांच, आवंटन एवं स्थानांतरण, टाउनशिप एरिया के विकास, जमीन संबंधित समस्याएं, हाई रिस्क इलाके आवंटन, पुनर्वास समेत कई बिंदुओं पर अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जो भी हो, गोंदोडी की घटना के बाद तो लग रहा है कि शिफ्टिंग का काम तेज तक कर दिया जाएगा, लेकिन मामला किसी न किसी पेश में फंसता दिख रहा है। गोंदोडी के विस्थापितों को बोली क्षेत्र अस्पताल परिसर में शिफ्ट करने का सैद्धांतिक सहमति हुई है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।